नौ ग्रहण, नौ रूप, नौ शक्ति। नवरात्रि में कीजिए माता की भक्ति। नवरात्रि का पावन पर्व आज घट स्थापना से शुरू हो चुका है। आज से 9 दिन तक माता के 9 रूपों की पूजा होगी। आज नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जाता है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कहानी, जिन्हें सती भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया और इसलिए वहां जाना उचित नहीं होगा। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी गई। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और खुशी की ज्वाला में जलते हुए शिव उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसे सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा।